तो देख सकते हैं गाइस हम कैसे हो रहे हैं। और यहाँ से हम जाएंगे उज्जैन तक पैलेस, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आया आ जाएगा, फिर हम निकलते हैं। अभी हम बन कुमारी ऑटो स्टैंड पर ये देख सकते हैं, ये बन कुमारी बाजार लास्ट बाजार, और ये आया नेताजी स्टैंड। अभी आ जाएगा मेरा भाई, फिर हम निकल जाएंगे। यहाँ से मोटर स्टैंड का ऑटो आ चुका है, ठीक सामने ही देख सकते हैं हमारे मगर जी इसको ले देंगे। अभी हम एयरपोर्ट चौमुनी पर देख सकते हैं, बहुत ही क्राउडफुल एरिया है। और साइड में देख सकते हैं गाइस बहुत ही पुराना है, आप यहाँ पर मेडिकल स्टोर यहाँ पर ओपन हो चुका है उनका, लेकिन ये बहुत ही पुराना जगह है गाइस ये। तो गाइस अभी हम पहुँच गए, ये देख सकते हैं इसे कमान चौमोनी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कमान एक बहुत बड़ा दिख नहीं रहा। तो अच्छा, इधर से हमारा नेशनल फ्लैग दिखा जा रहा है। हाँ, बहुत दूर से दिखाई दे रहा है उज्जैन पैलेस। तो गाइस बहुत दूर से हमारा नेशनल फ्लैग दिखाई दे रहा है, तो मैं समझ गया कि यही पर है। हम लोग बहुत ही नज़दीक उतर गए थे, क्योंकि सब दिखाना ज़रूरी था आप लोगों को, तो इसलिए उतर गए। अब देख सकते हैं, अभी हम सामने जाएंगे उज्जैन तो पैलेस के ठीक सामने, ये देख सकते हैं अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शिशु उद्यान बिपानी विटान है, देख सकते हैं चलेगा या नहीं। तो अभी हम उस पार जाएंगे, सिग्नल का स्टॉप का सिग्नल आ चुका है, जल्दी आ मुझे। और यहाँ पर है शायद विद्यासागर जी का स्टैचू है, और उस पार हम देख रहे हैं तुलसीपति का स्कूल। और गाइस देख सकते त्रिपुरा पे भी स्टार्ट हो चुका है पिंक, यानी पिंक टॉयलेट मतलब आप मतलब लेडीज़ का समझ लीजिएगा, और ग्रीन दिखाई दिया यानी कि जेंट्स का पता नहीं कौन से कलर है, बट लेडीज़ का पूरा मतलब पता है कि पिंक ही है, पिंक ही देख सकते। और यहाँ पर देख सकते हैं महारानी तुलसीपति का स्कूल है, देख कब बनाया गया और सही सब भी लिखा हुआ है, लेकिन बंगला में लिखा हुआ है। और इसके ठीक सामने ही है देख सकते हैं उज्जैन पैलेस, और आप लोग ठीक सामने हम दो भाई देख सकते। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है, हम हमेशा इंटरनल साइड से जाते हैं, जहाँ से मतलब अंदर से दिखाई देगा सब कुछ दिखाई दे, ऐसे साइड से जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क किया जाता देख है, सकते G20। हाँ, और देख सकते हैं हमारा नेशनल फ्लैग बहुत बड़ा है गाइस, अगर आप सामने से आते तो आपको पता नहीं, गेट बंद नहीं होगा। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये देखिए शहीद खुदीराम बोस का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू है गाइस, अगर आप लोग आएंगे तो मतलब तो पता चलेगा कितना बड़ा है, त्रिपुरा में स्थित है। और वहाँ पर भी एक स्टैचू है, वो किसका है उस साइड जाएंगे तब पता चलेगा। रात के समय गाइस ये बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर शायद इनॉग्रेशन फिर से चल रहा है, लेकिन ऑफिशियल इनॉग्रेशन 25 सितंबर 2013 में किया गया था, मुझे याद है तब मैं बच्चा था। और इसे बनाया गया था गाइस कौन सा रास्ते में जाएंगे, एक इधर क्या है, खींचेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फादर है कॉन्स्टिट्यूशन का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टैचू है देख सकते हैं, और लिखा भी है
और रात की तरफ गाइस मतलब रात में बहुत सुंदर दिखाई देता है ये जगह पूरा देखनी। और यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ पौधा, बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्लांट दिखाई देंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर गाइस, बहुत ही सुंदर, मतलब क्या कहूँ यहाँ से लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा एक फ्लावर दिखाई दे रहा है, देखिए मतलब ये जगह बहुत ही बढ़िया है गाइस, बहुत ही ऑसम। तो गाइस यहाँ पर देखिए प्लांट बोला जाता है, पेड़ नहीं है, छोटे मोटे है, छोटे प्लांट बोला जाता है, सब प्लांट देखिए सुंदरता महाराजा राधा किशोर माणिक्य ऊपर काम भी चल रहा है, 1901 में बनाया था, काम भी चल रहा है। हाँ, अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन ऑफिशियली ने 2013 में हुआ, 25 सितंबर मुझे याद है, तब मैं बच्चा था, क्या ये तो सब याद आता है। तो गाइस देख सकते हैं, ये देखिए इसकी सुंदरता देखिए गाइस, मतलब क्या जगह है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही औसम जगह है, बहुत ही औसम जगह है, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, जितना कहूँ उतना ही कम है। ले तो गाइस देख सकते हैं अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं प्रीतम भाई और मैं, बट परमिशन मतलब मेन चीज़ क्या है, शायद परमिशन ना भी दे क्योंकि अंदर बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें होती है, शायद ना दे परमिशन अंदर, बट हम परमिशन लेके रहेंगे शायद, हमारा लक अच्छा है। और यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ है, हाँ इसे पेड़ कह, सबको पेड़ कह सकते हैं। ओ भाई इतना मतलब इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, साइड में देख सकते हैं आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, साइड में बहुत ही विशाल विशाल कुछ बन रहा है, बढ़िया सा कुछ होगा देख सकते हैं। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, रास्ता बहुत ही दूर है गाइस, आप लोगों को लग रहा है सामने है लेकिन कब से हम चल रहे हैं देख सकते हैं। फोटो खींच लेना दोस्त, अबे फोटो खींच सकता है चुप साले। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, सामने तो मैं खींचूंगा बहुत सारे फोटो, ऐसे फोटो खींचाऊंगा एक फोटो चुप साले। तो गाइस अंदर जाने के पहले सब तो अंदर दिखाई दूंगा म्यूजियम में क्या क्या, और वो देखिए हमारा प्राइड राधा किशोर माणिक्य जिन्होंने बनाया था, ये देखिए मैंने बोला था ना 1909 में बनाया था, ये देखिए 1909 में बनाया गया था, ये देखिए। और महाराज जी का स्टैचू देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, और चारों तरफ मतलब लोहे के जीले बनाया गया है, और यहाँ पर भी कुछ है, और यहाँ पर भी देख सकते कुछ बनाया गया है मूर्ति सा जो हमारा ट्रेडिशन है, उधर भी शायद कुछ ब्लॉग।